टीम लगा के पैसे जीतना है, फिर क्रिकेटर बनना है, या आपको पैसे जीतने के बाद ये सब आइडिया आया? नहीं, पहले से ही मुझे था कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, पैसा नहीं था। तब पता चला कि अरे मेरा बेटा 1 करोड़ रुपया जीत गया, तो आप बोले होंगे मम्मी पापा 1 करोड़ जीत गए, तो विश्वास किए थे वो लोग? हाँ, किया लो लास्ट में। नहीं किए विश्वास? नहीं किया लास्ट में। पैसा मिला, मतलब उसमें तो दिया जाता है कि ऑडी कार मिलेगा आपको? हाँ, तो ओडी कार मिल रहा था, लेकिन इधर चलने के लिए जगह नहीं था, इसलिए पैसा लिया। चलने के लिए जगह नहीं था मतलब? रोड खराब था इधर। तो फिर तो बहुत सारे लोगों का सपना रहता है कि हम ओडी कार से चलेंगे, आपके हाथ में आया हुआ है। फिर से एक और नए वीडियो में दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे ड्रीम इलेवन विनरों का इंटरव्यू दिखाया है। बहुत सारे सारे जो विनर होते हैं, जो कि पैसे जीतने के बाद कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ और करता है, लेकिन एक ऐसे हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कि ड्रीम इलेवन से पैसा जीत करके वो पहले तो मोबाइल में टीम लगाया करते थे, लेकिन अब जो है वो रियल में टीम लगाना और टीम इंडिया का जो है टीम इंडिया की तरफ से खेलने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि उनका जो सपना है, तो वो सपना पूरा करने पे पूरा मेहनत कर रहे हैं। तो आज हम आए हुए हैं एक एकेडमी में, जहाँ पे जो है वो यहाँ पे क्रिकेट का जो है ट्रेनिंग लेते हैं, यहाँ पे जो है साथ में मैच खेलते हैं, और ओरिजिनल टीम के साथ जो है अब मैच खुद भी खेल रहे हैं। टीम लगाने के साथ साथ जो है अब टीम में मैच खेलना भी शुरू कर दिए हैं। तो आज हम उनसे मिलेंगे कि आखिर वो कैसे जो है पैसे जीते हैं, और उनको ये कहाँ से मोटिवेशन मिला है कि हमको भी जो है क्रिकेट खेलना चाहिए। तो उनसे मिलवाते हैं आज हमारे साथ नीतीश यादव जी। धन्यवाद। क्या आपने तो तहलका मचा दिया, शायद आप इकलौता ऐसा विनर हैं जो कि जहां से पैसे कमाए आप उस यूनिट में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। पैसा उसी के लिए कमाए ही थे। उसी के लिए कमाए थे। अब लाइफ में आपको क्या करना है? क्रिकेटर बनना है। क्रिकेटर बनना है? पहले या पहले पहले से ही आपका प्री प्लान प्लान था कि हमको क्रिकेटर बनना है, टीम लगा के पैसे जीतना है, फिर क्रिकेटर बनना है, या आपको पैसे जीतने के बाद ये सब आइडिया आया? नहीं, पहले से ही मुझे था कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, लेकिन पैसे का प्रॉब्लम था, इसलिए टीम लगाता था, कभी लक भी आजमाता था कि ताकि कभी ना कभी लक साथ देगा, और साथ दिया भी। मुझे लगता है कि कहीं हर इंसान का एक ना एक बात जो है सच हो जाती है, तो कहीं हो सकता है ये मुराद आपकी ऊपर वाले ने सुन लिया। हाँ। अच्छा, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि आप जो है 1 करोड़ रुपए पैसे जीते हैं, सुनने में एक ऑडी कार भी जीते, क्या सच्चाई है, वाकई पैसे जीते हैं कि क्या कुछ? नहीं, जीते 1 करोड़ रुपया प्लस ऑडी कार। लगभग ये कौन सा मैच था? 1 साल पहले 2023 का बात है। 2023 का बात है। कौन सा मैच था? कौन सा? हैदराबाद और मुंबई के बीच मैच था। हैदराबाद और मुंबई के बीच में। तो उसमें आप पहले कितना दिन से पहले से खेल रहे थे? यही 2 साल पहले से। 2 साल पहले से खेल रहे थे, और 2 साल के बाद जो है आपको लक साथ दे दिया। तो अब जो है उन पैसों का क्या कुछ कर रहे हैं? क्रिकेट में इसको इन्वेस्ट करना है, या घर परिवार का स्थिति भी सुधारना है? सब कुछ देखना है। सब चीज़ देखना है। घर में कौन कौन? मम्मी पापा भाई बहन। तो आप के कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। छोटे कि बड़े? बड़े हैं। बड़े हैं। बड़ा होने का जिम्मेवारी भी निभा दिए, अब उसके बाद अब जो है अपनी भी जिम्मेवारी निभा रहे हैं कि क्रिकेटर। क्या सपना है आपको क्रिकेट को लेके? क्रिकेटर बनना है, इंडिया के लिए खेलना है। तो अब तो सुनने में आया कि अपना जो बिहार बोर्ड भी क्रिकेट एसोसिएशन जो हो गया है, अप्रूव हो गया है, तो क्या कुछ लगता है कि आपको वहाँ तक इंटरनेशनल खेलने का मौका मिलेगा? मेहनत करेंगे तो मिलेगा ही। आप क्या चीज़ से खेल? आप ऑलराउंडर हैं या बॉलर हैं या बैटिंग, क्या चीज़? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर। बॉलिंग वगैरह? बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। तो यहाँ कितना दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं? 6 महीने से। 6 महीना। अच्छा, ये बताइए, ये बहुत सारे आप कौन से ऐप से पैसे जीते थे? ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल। माई इलेवन सर्कल से। उसमें आदमी बोलता है कि ऑडी कार, बुलेट, पैसे, तो उसमें क्या आपको ऑडी कार मिला? हाँ मिला, उसका पैसा मिला। पैसा मिला, मतलब उसमें तो दिया जाता है कि ऑडी कार मिलेगा आपको? हाँ, तो ऑडी कार मिल रहा था, लेकिन इधर चलने के लिए जगह नहीं था, इसलिए पैसा लिया। चलने के लिए जगह नहीं था मतलब? रोड खराब था इधर। तो फिर तो बहुत सारे लोगों का सपना रहता है कि हम ऑडी कार से चलेंगे, आपके हाथ में आया हुआ आप ठुकरा दिए। हाँ, तो क्या करें, रोडे ऐसा स्थिति था कि रोडे ऐसा है। तो क्यों, आसपास के जो है आपके मुखिया उखिया चाहे वहाँ पे रोड अभी तक बना नहीं है? बनवाए नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं बना है, है? नहीं बना अभी तक। बाकी आप जो है क्रिकेट को लेके हमारे बिहार के जितने भी जो युवा हैं क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं, उन लोगों को आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए।
इसमें स्कोप है, बिहार के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी आगे, मिलेगी, मेहनत करेंगे तो मिलेगी ही आगे। कहा जाता है कि मैं बिहार को जल्दी प्राथमिकता नहीं मिल पाएगा क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद जो है बिहार को अभी जाके जो है ये बोर्ड को अप्रूवल मिली है, तो बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। तो क्या कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे? कुछ गलतियां हुआ होगा जिसके तरह से नहीं मिला होगा हम लोग को मान्यता बिहार को, लेकिन अब मिला है तो आगे भी चल के अच्छा करेंगे लोग, ताकि ऐसे ही हम लोग भी आगे बिहार से आगे बढ़े, इंडिया के लिए खेलें। अच्छा, ये एकेडमी, ये आपको जानकारी कैसे हुआ कि यहाँ पे एकेडमी है प्रॉपर, जो है यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है? एकेडमी तो एक बहुत है जहाँ पे सर्च उर्च किया जाता है, गूगल पे सब पे दिया होता है मैप पे। अच्छा, ये हम आ रहे थे तो देखे पूरे गांव के बीच में, बिल्कुल गांव के अंदर, ये करीब गोपालगंज से अंदर, ये थोड़ा सा लोकेशन बताइएगा क्या है? सासा मूसा के पास है। सासा मूसा, मतलब ये बिल्कुल गोपालगंज से करीब 15-20 किलोमीटर अंदर ग्रामीण क्षेत्र में। दोस्तों, ये पूरा ग्रामीण क्षेत्र में ये एकेडमी खुला हुआ है, और कहीं ना कहीं आप मेरे इधर पीछे दिखाइए थोड़ा सा, इधर देख सकते हैं बच्चे जो है पूरा ड्यूज के बॉल से जो है यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और खेलते हैं, और ताकि वो भी अपना जो है अच्छा परफॉर्म करके एक ना एक दिन टीम इंडिया के लिए खेल सकें। बाकी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि उस मैच का थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहेंगे आपको, आप कैप्टन और वाइस कैप्टन किनको बनाए थे? कैमरन गेन कैप्टन और वाइस कैप्टन मार्को यांसा। उस दिन आपको क्या लगा था कि हमको इसको बनाए, और आपको कैसे पता चला कि हम पैसे जीत गए? उस दिन का एक्साइटमेंट कैसा रहा आपका, उस दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा, टीम बनाते समय तो कुछ नहीं लगता है, सब अच्छा ही लगता है, सुबह में पता चला जीते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं रात को सो ही नहीं पाया, बहुत लोग बोलते हैं कि अरे मैं सो के उठा तब मैं देखा तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मैं 5 बार देखा। कई बोलते हैं कि हमें यार दोस्त जो है फ़ोन करके बोलते हैं कि अरे तुम्हारा टीम एक रैंक कर गया, तो आपके साथ क्या कुछ घटना घटा? खुद हम सुबह में अपने से देखे, खुद देखे, विश्वास हुआ? हाँ, विश्वास क्यों नहीं हुआ, देखने से तो विश्वास। एक बार में विश्वास हुआ? एक बार में तो नहीं होता, देखें तो विश्वास हुआ लास्ट में। तो सर्टिफाइड किसी और से हुए होंगे जो आपके आसपास में खेलते होंगे, टीम लगाते होंगे, देखो जीते हैं कि नहीं जीते हैं? हाँ, घर वालों को पता था कि आप टीम लगाते हैं? हाँ, सबको पता नहीं था। तब पता चला कि अरे मेरा बेटा 1 करोड़ रुपया जीत गया, तो आप बोले होंगे मम्मी पापा 1 करोड़ जीत गए, तो विश्वास किए थे वो लोग? हाँ, किया लास्ट में। नहीं किए विश्वास? नहीं किए लास्ट में, किया। तब क्या बोलते हैं मम्मी पापा कि अब जाओ क्रिकेट खेलो और नाम रोशन करो? कुछ नहीं बोलते, बोलते अच्छा है, फिर क्रिकेट खेलो, देश का नाम रोशन करो। हाँ। अपने बिहार का नाम रोशन करो, क्योंकि हमारे बिहार से बहुत ही कम खिलाड़ी हैं जिनको मौका मिला है, मिला भी है तो प्रॉपर मौका नहीं मिल पाता है ना। बाकी दोस्तों, ये नीतीश यादव जी हैं, और इनका आपका उम्र कितना होगा? 17। अभी ये 17 में हुए, 15 साल में ये करोड़पति बन गए, और बहुत सारे जो लोग होते हैं 15 साल में बाप के या खानदानी पैसे से करोड़पति होते हैं, लेकिन ये खुद के बलबूते पे करोड़पति बन गए। अब वो उन पैसों से जो है घर का जिम्मेवारी भी निभा रहे हैं, और खुद को जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी देने का तैयारी कर रहे हैं, क्रिकेट का तैयारी कर रहे हैं। तो इनका प्रयास जो है बहुत सराहनीय है, और हम भगवान से कामना करेंगे ऊपर वाले से कि जल्द इनको मौका मिले स्टेट लेवल, और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल खेलने का मौका मिले। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फिर से एक ऐसे ही जो है जमीनी स्तर का वीडियो फिर से आपके सामने लाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।